भारत में ये जो आयुर्वेद है ना, ये सबसे बड़ा चिकित्सा शास्त्र है। एक बहुत अच्छी पुस्तक है, उसका नाम है अष्टांग हृदय। उसको एक दूसरे नाम से भी बोलते हैं कुछ वैज्ञानिक, अष्टांग संग्रह। तो उसमें स्वस्थ रहने के कुछ नियम हैं और बीमार पड़ने के कुछ कारण हैं। अब आपको अगर मैं कहूं तो आप परेशान हो जाएंगे ये सुनकर। इस अष्टांग हृदय में या अष्टांग संग्रह में किसी भी व्यक्ति के बीमार होने के सबसे बड़े कारणों में से एक कारण ये है। अब होता क्या है, सब्जियों के बारे में आयुर्वेद का सिद्धांत यह है कि पेड़ से टूटने के 48 मिनट के बाद उसको पका के खा लीजिए। ये नियम है आयुर्वेद का। पेड़ से टूटने के 45-48 मिनट के बाद, मान लो एक घंटे के बाद आप उसको पका के खा लीजिए, तब तो है ठीक। और जो आपने सवेरे की सब्जी शाम को खाई, शाम की अगले सवेरे को खाई और दो दो दिन रख के खाई, तो वो जहर है। हाँ, सवेरे भी शाम को भी मैं देखता हूं झोला भर भर के 3-4 दिन की इकट्ठी ले आते हैं, 8-8 दिन की ले आते हैं और फ्रिज में भर के पॉलीथिन में पैक करके और रख देते हैं, तो डबल जहर। धनिया लाते हैं पॉलीथिन में पैक करके फ्रिज में रख दिया, पुदीना लाया पॉलीथिन में पैक करके रख दिया, भिंडी लाई पॉलीथिन में पैक करके रख दिया। क्या तर्क है उसके पीछे कि इनमें नमी बनी रहती है? आपको मालूम नहीं फ्रिज में से बारह खतरनाक जहरीली गैस निकलती है जिनको CFCs कहते हैं, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जिनसे सारी दुनिया परेशान है। उन जहरों से मिली हुई सब्जियों को फिर आप खा रहे हैं, फिर कितना भी उबालिए उसका असर नहीं जाता। धीरे धीरे ये टॉक्सिक वेस्ट आपके शरीर में इकट्ठे होते रहते हैं। 5-7 साल में आपके घुटने दुखना, पैर की एड़ियां दुखना, कमर दुखना, कंधे दुखना, फिर माइग्रेन होना, फिर नींद नहीं आना, फिर ऐसा होना, फिर वैसा होना, ये शुरू ही शुरू रहता है। और अब तो एक और खतरनाक काम शुरू हुआ है कि उसमें पानी भर भर के और रख देते, वो पीते और दूसरों को भी पिलाते। ये यूरोप के लोगों की सबसे बड़ी समस्या, चिल्ड वाटर, वो ठंडा पानी पीते। परिणाम पता है, वो सवेरे 2-2 घंटे टॉयलेट में बैठे रहते और उनका ठंडा पानी तो मजबूरी है क्योंकि बर्फ गिर रही है तो पानी ठंडा होने वाला है। हमारी क्या मजबूरी है? कोई नहीं, हम तो ठंडा बना बना के पी रहे हैं। कई घरों में माताओं को मैंने देखा है आटा गूंद के फ्रिज में भर के रख देते हैं, सवेरे का शाम को, शाम का अगले दिन, सवेरे अगले दिन का, तीसरे दिन, तीसरे दिन का चौथे दिन, ये चक्कर चलता ही रहता है। और आटे के बारे में भी आयुर्वेद ये कहता है कि अगर आटे को गूंद लिया है तो 30 मिनट के अंदर उसे खत्म होना ही चाहिए, नहीं तो कीटाणु बनना, जीवाणु बनना शुरू हो जाता है। फ्रिज में रखी हुई मत खाइए, फ्रिज में दूध रखना भी बंद कर दीजिए, दही भी मत रखिए, इनको बाहर ही रखिए ना, तो आपके जीवन में स्वास्थ्य अपने आप आता चला जाए। दूसरा एक नियम है, आयुर्वेद का नियम है, अष्टांग हृदय का भी वो नियम है और सभी ऋषि ऐसा बोलकर गए हैं कि जो जिंदगी स्वस्थ रखनी है तो ठंडा पानी मत पीजिए, पानी गर्म करके पीजिए, कम से कम उतना गर्म हो जितना गर्म आपका शरीर है, क्योंकि गर्म पानी शरीर को बहुत तरह से सफाई कर देता है, टॉक्सिक वेस्ट को शरीर के बाहर निकाल के फेंकता है, पचने में भी मदद करता है, शरीर के पूरे तंत्र को व्यवस्थित रखता है। हल्का गुनगुना पानी, ज्यादा गर्म भी नहीं, ज्यादा ठंडा भी नहीं। फिर ऐसे ही नियम है एक छोटा सा कि पानी पीजिए तो घूट घूट भर के पीजिए, जैसे गर्म दूध पीते वैसे पानी पीजिए, सिप करके पानी पीजिए ताकि ज्यादा लार शरीर में जाए। लार जो है ना, वात पित्त कफ तीनों को संतुलित रखती है, तो घूट घूट पानी पियेंगे तो बहुत लार जाएगी, गटगट गटगट पियेंगे तो बहुत थोड़ी सी जाएगी। एक स्वस्थ मनुष्य को जिंदगी भर स्वस्थ रहना हो तो हर दिन 4.5 से 5 लीटर लार की आवश्यकता है, वो सिप करके ही संभव है। और आप आज से ये शुरू करिए सिप करके पानी पीना, तीसरे दिन से आपको रिजल्ट मिलेगा। जिनको भी एड़ियों में दर्द है ना, 3 दिन में गायब हो जाए। अगर घुटने में दर्द है ना, 6-7 दिन में ठीक हो जाए। कोई भी ज्वाइंट्स पेन है, 12-13 दिन में चला जाए। कितनी भी भयंकर संधिवात हो, सिप करके पानी पीजिए और एक सिप में उतना ही पानी लीजिए 1 चम्मच के बराबर, उसको थोड़ी देर मुंह में घुमाइए फिर पीजिए। अगर आपका वजन बहुत बढ़ गया है तो 1-1.5 महीने में ही 5-6 किलो कम हो जाएगा अपने आप, बिना कोई दवा खाए, सिप करके पानी पीने से। तो आप बहुत सारी बीमारियां इसी से ठीक कर सकते हैं। आयुर्वेद में ये सूत्र है, भोजनांते विषम वारी, माने भोजन के अंत में पानी पिया तो विष पी लिया आपने, तो आप भोजन के बाद पानी मत पीजिए, 1-1.5 घंटे के बाद पीजिए पानी, सिप करके पीजिए, हल्का गुनगुना पानी पीजिए। सवेरे उठते हैं ना तो अपने दिन की शुरुआत पानी से करिए, चाय से नहीं।
जो लोग सवेरे दिन की शुरुआत पानी से करें और जो सवेरे दिन की शुरुआत चाय से करें, दोनों जमीन आसमान के अंतर है। चाय से शुरुआत करने वालों को एक नहीं 68 बीमारियां होंगी, 68, और जो सवेरे पानी से शुरुआत करें दिन की तो उनको बीमारी ही नहीं। तो आप बोलेंगे कितना पानी पिए, कम से कम एक गिलास तो पी लीजिए, उससे ही पी। कई बार तो मैं परेशान हो जाता हूं कि एक मरीज आया, उसके शरीर में 50 बीमारियां हैं, कौन सी पहले ठीक करो? तो मैं ढूंढता हूं कि इसकी सबसे बड़ी बीमारी कौन सी है, उसको ठीक करो तो बाकी आसानी से ठीक हो जाए। और मैं आपको पूरी ईमानदारी से बताता हूं, ये पेशेंट को मैं नहीं कहता, 99% जो क्रॉनिक पेशेंट है उनकी अंतिम बीमारी निकलती है पेट की कब्जियत, कॉन्स्टिपेशन। और जब भी मैं उनको कोई ऐसी दवा देता हूं जो उनकी कब्जियत को ठीक कर दे, तो उनकी ज्यादातर बीमारियां अपने आप ठीक हो जाती। बहुत सारे मरीजों को मैं संधिवात ठीक करता हूं, लेकिन कभी नहीं बताता कि संधिवात की दवा नहीं दे रहा हूं, पेट साफ करने की दवा है। क्योंकि जैसे ही पेट साफ होने लगता है, घुटनों का दर्द अपने आप खत्म हो जाता है। जैसे ही पेट साफ होने लगता है, माइग्रेन अपने आप खत्म हो जाता है। जैसे ही पेट साफ होने लगता है, नींद बहुत अच्छी आने लगती है। जैसे ही पेट साफ होने लगता है, शरीर के ज्वाइंट्स पेन सब निकल जाते हैं।